नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं गरिमा भारती। एक तरफ जहां बिहार में अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ हादसे भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। एक तरफ जहां सरकार कहती है कि क्राइम को कंट्रोल किया जाता है, दूसरी तरफ रोड सेफ्टी को लेकर भी कई दावे किए जाते हैं। लोगों से कहा जाता है कि आप इस तरह से गाड़ी चलाएं, इस तरह से अपना ख्याल रखें ताकि सड़कों पर आप खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सके। लेकिन इसके बावजूद कई सारे हादसे होते हैं और एक बार फिर से पटना में एक बड़ा हादसा हो गया है जिसमें पूरे परिवार की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। पटना जिले के बख्तियारपुर से एक बेहद बड़ी खबर मिली है। पटना बख्तियारपुर फोर लेन सड़क पर सालिमपुर थाना क्षेत्र के जगदम्बा स्थान के पास एक सड़क हादसे में स्कॉर्पियो सवार दंपति और उनकी बच्ची की मौत हो गई है। हादसे का शिकार परिवार पटना जिले के ही बिहटा का रहने वाला था। स्कॉर्पियो में सवार एक ही परिवार के लोग करौटा स्थित देवी मंदिर में दर्शन पूजन के लिए जा रहे थे। इसी बीच गुरुवार की देर रात को यह हादसा हो गया। घटनास्थल पर सुबह के वक्त पहुंची पुलिस ने शवों को गाड़ी से बाहर निकाला और मौके पर मिले एक पहचान पत्र के जरिए सभी की पहचान की। मरने वालों की पहचान बिहटा के सिकंदरपुर निवासी रंजीत सिंह के पुत्र और व्यवसायिक वाहन कारोबारी अमरेश कुमार, जिनकी उम्र 33 वर्ष है, उनकी पत्नी खुशी देवी और 4 वर्षीय बच्ची आराध्या कुमारी के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार अमरेश कुमार अपने पूरे परिवार के साथ बिहटा से करौटा स्थित माता मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे। कुछ लोगों के मुताबिक वे अपने किसी रिश्तेदार के घर जा रहे थे। करौटा जाने के लिए उन्होंने अपने चाचा की स्कॉर्पियो ली थी। वह खुद ही स्कॉर्पियो ड्राइव भी कर रहे थे। बख्तियारपुर फोर लेन पर सलीमपुर जगदम्बा स्थान के समीप उनकी गाड़ी सड़क से उतरकर काफ़ी दूर खेत में चली गई। ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि सामने से आ रही किसी वाहन की लाइट से चमका खाकर अमरेश स्कॉर्पियो पर नियंत्रण खो बैठे। उनकी स्कॉर्पियो सड़क से काफ़ी दूर तक चली गई। इससे लग रहा है कि हादसे के वक्त उनकी गाड़ी तेज़ रफ्तार में होगी। इस भयावह हादसे की जानकारी आम लोगों और स्थानीय पुलिस को सुबह होने पर मिली। सुबह का उजाला होने पर लोगों ने देखा कि सड़क से काफ़ी फासले पर एक स्कॉर्पियो बेहद बुरी हालत में पड़ी है। स्कॉर्पियो के अंदर सवार तीनों लोग मृत मिले। पूरी रात किसी की नज़र इन पर नहीं पड़ी। अमरेश अपने घर के इकलौते वारिस थे। 5 साल पहले बिक्रम के साजापुर निवासी खुशी कुमारी के साथ उनकी शादी हुई थी। शादी के बाद दंपत्ति को एकमात्र औलाद बची हुई थी जो इस हादसे में चल बसी। यानी कि एक हादसे में पूरा का पूरा परिवार जो है वो ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया। करौटा गए हुए थे अमरेश कुमार अपनी पत्नी और 4 साल की बच्ची के साथ दर्शन करने के लिए। उसके बाद वो किसी रिश्तेदार के यहाँ भी जाने वाले थे। स्कॉर्पियो भी किसी दूसरे की थी। अपने चाचा से स्कॉर्पियो लेकर वो खुद ड्राइव कर रहे थे, जिसके बाद रात के अंधेरे में ये बड़ा हादसा हो गया। सड़क से गाड़ी उतर गई और एक्सीडेंट हो गया जिसमें तीनों लोग चल बसे। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।